चलो 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 जो बिछड़ गया है मैं सुरेश कुमार डीडीसी गोगवाल, आज हम नरसिंह भगवान के चरणों में खड़े हैं। तो आज ये जो आप देख रहे हैं ये मेला रथ खड़े का मेला इसे बोलते हैं। तो आज जो रथ खड़े का मेला है इसका महत्व है कि रथ जो है कुछ पलों के लिए भगवान जी का रथ जो है ये रुक जाता है और आज से एक जो दिन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। तो उसके साथ ही मेले का आयोजन बड़े अच्छे तरीके से किया गया, सजावट फूलों की सजावट की गई है, लाइटें लगाई गई हैं और हमारे नौजवानों द्वारा बहुत ही अच्छा जो इसका जितना भी सजाने का काम जो है ये नौजवानों ने किया हुआ है। उन्होंने अपने तरीके से जहाँ जहाँ जो चीज़ चाहिए थी वहाँ पे उनको हर टाइम पे हम उपलब्ध करवाते रहे। मेले को आज तो आप देख रहे हैं मेले में भारी उत्साह रहता है, क्योंकि ये मेला जो है ये साल भर इंतज़ार करने के बाद ये रथ खड़े का मेला पाया देखने को मिलता है। तो आज लोगों में बच्चों को लेकर सभी लोग अपने सह परिवार आए हुए हैं, क्योंकि मेले का जो आयोजन है ये ऐसे जो इवेंट हैं बड़े मुश्किल से देखने को मिलते हैं। आज के दिनों में ये इवेंट जम्मू में कोई तीन चार जगहों पर पाए जाते हैं। तो ये आज पूरे जम्मू से लोग बसोली बनी बिलावर उधमपुर बड़ी बड़ी दूर से लोग जो हैं मेले को देखने आए हैं और नरसिंह भगवान जी का आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। इसके साथ ही हम हमारे यहाँ के गोगवाल के तहसीलदार ओमराज सुमबड़िया जी, एडीसी सांबा, बीडीओ गोगवाल, सभी ने मिलजुल कर एक अच्छे तरीके से मेले का आयोजन जो एडमिनिस्ट्रेशन और कमेटी की तरफ से अच्छे तरीके से मेले का आयोजन किया गया। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय। मैं विजय गगोत्रा VDC चेयरमैन गोगवाल हूँ। तो इस मेले के जो रथ खड़े का मेला है, सदियों से ये परम्परा रही है जहाँ गोगवाल में रथ खड़े का मेला लगता है और ये 8 दिन मेला चलता है और ख़ासकर ये पहाड़ियों का ये मेला, जो पहाड़ी लोग अपने अपने औजार और कंबल और जो वस्तुएं नई नई बना के लाते हैं और बाज़ार में उनको जहाँ सुविधा मिलती है लोगों को बेचने की, तो बड़ी तादाद में करोड़ों की लाखों की तादाद में लोग आते हैं और लाखों की तादाद में उन लोगों को जहाँ से कमाई करके जाते हैं तो उनका रोजी रोटी का यही एक साधन रहता है। तो गोगवाल की जो जनता है, जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जितने लोग आते हैं बाहर से लोग आते हैं, उनका खाने पीने का रहने का जहाँ बंदोबस्त देखते हैं हम सारा, तो हमारी यही मंशा रहती है, गोगवाल वासियों की यही मंशा रहती है कि हम लोग जो नरसिंह धाम गोगवाल में हम पैदा हुए हैं तो हमारे यहाँ यही एक कर्तव्य भी रहता है कि जो तीन जहाँ ऐतिहासिक मेले लगते हैं जहाँ वो बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो उनकी हम सेवा करें। तो हम सब एकजुट होकर जहाँ दिन रात कार्य में लगे होते हैं, खास करके हमें बड़ा आज गर्व भी महसूस हो रहा था, कल के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उन्होंने ये इसको जहाँ संभाला है, आज देख रहे हो आप कितनी सजावट जो हुई है सभी नौजवान बच्चों ने की है, यही सभी हमारे जहाँ हिंदू लोग रहते हैं और हमारी परंपरा रही है हिंदुओं का जो मान रहा है विश्व का कल्याण हो, तो यही हमारा धर्म सिखाता है, तो यही हमारी परंपरा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान तो तरक्की करे ही करे, हम तो यही चाहते हैं कि पूरा विश्व तरक्की करे, शांति रहे लोगों में, लोगों का भाईचारा बना रहे, तो यही कामना करते हैं हम। धन्यवाद। मेरा नाम रशपाल वर्मा, मैं जहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। नरसिंह भगवान का ये धाम 1500 साल पुराना धाम है
जहाँ पर तीन पिंडियाँ हैं, जिसमें विष्णु भगवान के पिंडी है, एक नरसिंह भगवान की पिंडी है और एक माँ अन्नपूर्णा की पिंडी है। और ये सब तीनों पिंडियाँ जो आप शंभू पिंडियाँ हैं, तो जो लोगों की आशा की बात आप कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, सुबह 6 बजे से लेकर अभी 3 बजने वाले हैं, हजारों की संख्या में जहां पर अभी तक लोग माथा टेक चुके हैं और उन्होंने भगवान नरसिंह जी का आशीर्वाद लिया है और अभी भी लाइनें लगी है। मुझे लगता है कि 7-8 बजे तक इतना ही रश रहेगा। आज 25-30 हज़ार के आसपास लोग मुझे लगता है अभी तक आ गए होंगे जिन्होंने आशीर्वाद लिया है। और अभी 10-12 दिन ये मेला और चलेगा, जिसमें डेली 8-10 हज़ार 12 हज़ार लोग आएंगे और लोग आशीर्वाद लेके जाएंगे। तो ये जो मेला है, बेसिकली इसको हम जो अपना लोकल मेला बोलते हैं, जैसे कि लोनियों वाला के मेला, कंबलों वाला मेला, या जो अपने लोकल प्रोडक्ट हैं जम्मू कश्मीर के, वो उसको इस मेले को बोलते हैं हम, कि लोग बनी से, बसोली से जो कोई अपना द्राट लेके आता है, द्राटी लेके आता है, कंबल लेके आता है, अपनी टोपियां लेके आता है, तो वो लोग जो अपने जहाँ पर लोग मेला देखने के लिए आते हैं, वो सामान वो खरीद के जाते हैं। बाकी तो आपको पता है कि मेले में हर चीज़ जो लोकल है वो मिलती है, और इसीलिए जो ऐतिहासिक मेला है कि जहाँ पर लोकल प्रोडक्ट है वो लोग खरीद के जहाँ से जाते हैं। और लोग वैसे भी जहाँ पर डेली लोग आते हैं, जहाँ पर एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि जहाँ पर जो भी गंडमूल बच्चे पैदा होते हैं वो जहाँ पर 40 दिन के बाद चढ़ाए जाते हैं और उसके बाद वो लोग जहाँ पर दक्षिणा देके वो वापस अपने अपने घरों को ले जाते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर है नरसिंह भगवान का, जहाँ गंडमूल बच्चे जहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, फिर वो वापस अपने घरों को ले जाते हैं। नरसिंह भगवान की जय।